किसी आलिम ने कह दिया है तो आप इस तरह करके उसका गलत मफहूम ना लें किसी कारी साहब ने, और कारी साहब को शौक कोई नहीं होता पैसे इकट्ठे करने का, वो तो कमेटी वाले कहते हैं ना इकट्ठे किए तो छुट्टी करा देनी है, इसलिए वो इकट्ठे कर लेते हैं बेचारे कई दफा स्पीकर खोल के। तो अब वो जो सुन रहा है उसका भी प्रेशर बड़ा हुआ है, कहता साउंड ही नहीं देता पे बैठ। तो बारक अल्लाह फी अहलिका व मालिका, अल्लाह तेरे अहल में भी बरकत करे, अल्लाह तेरे माल में भी, यानी जब भी तुम्हें कोई हदिया दे तो उसके माल के लिए भी दुआ करो और उसकी औलाद के लिए भी दुआ करो। ये हुजूर ने हमें सिखाया। कर्ज एक सियाबी पे बड़ा चढ़ गया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कहने लगे कर्जा बड़ा चढ़ गया, फरमाने लगे तुम्हें वो दुआ ना सिखाऊं जो हमें नबी पाक ने सिखाई है। फरमाया अगर तुम्हारे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह तुम्हारे कर्जे का बंदोबस्त फरमा देगा। पर मसला यह है दुआएं याद करनी पड़ती हैं और पढ़नी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, और हम हैं तावीज़ पे लगे हुए कि कुछ लिख के दे दें ताकि बांध लूं। दुआ सिखाई नबी पाक ने, क्या फरमाया अल्लाहुम अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। फरमाया ये दुआ मांगा करो, ए अल्लाह मुझे किफायत करने वाला रिज़्क़ अता फरमा और मुझे हराम से बचा और मुझे अपने फजल के साथ दूसरों से बेनियाज कर दे। यानी इसका सादा तर्जुमा यह है कि अल्लाह बंदों का मोहताज ना कर, मुझे अपना मोहताज। फरमाया ये दुआ पढ़ो अदाए कर्ज के लिए, अदाए कर्ज के लिए ये दुआ पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो तुम्हें अल्लाह उससे निजात अता कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में गुस्से की दुआ भी बताई है। वैसे मेरे ख्याल में लोगों को गुस्सा नहीं आता, आजकल गुस्सा नहीं आता, लोगों में तकब्बुर आ गया है। अपने से छोटे पे गुस्सा आता है, अपने से तगड़े पे क्यों नहीं आता? जिस आदमी ने गली पे खैरात मांगने वाले पे गुस्सा किया है वो SHO साहब पे क्यों नहीं करता? गुस्सा तो गुस्सा है ना, सब पे होना चाहिए, लेकिन बड़ा समझदार गुस्सा है। गरीब आदमी को देख के गुस्सा आता है, अमीर आता है तो गुस्सा निकल जाता है। तो मैं तो कहता हूँ लोगों को गुस्सा, अगर तुझे गुस्सा आता है तो मार दीवार के साथ टक्कर तेरे गुस्से की समझ आए। ये किस किस्म का गुस्सा है जो गरीब पे ही हाथ उठा रहा है तू? खुदा रा ख्याल फरमा, गरीबों के हक में बड़ा गुस्सा, मजबूरों के हक में बड़ा गुस्सा, मातहतों पर। और अगर चौधरी साहब आ जाए तो, चौधरी साहब आ जाए तो फिर बहाना बना लेते, कहते गुस्सा तो मैंने बड़ा आया सी, फिर मैं क्या हूं मेरे घर आया है, फिर बहाना बना लिया। ऐसे नहीं करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई बुखारी में, फरमाया जब गुस्सा आया तो पढ़ा करो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, आती है ना दुआ माशाल्लाह, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, जब गुस्सा आए तो ये वाली दुआ पढ़ लिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे भाई को छींक आए ना तो छींक आने वाले को कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आए उसने क्या कहना है? याद हो जाएगा क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सुने उसने कहना यरहमुकल्लाह। क्या कहना है? यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। ये पढ़ना है उसने। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला ने ना दरिया के किनारे खड़े थे, कश्ती से उतरे थे अभी और वहीं खड़े थे। तो एक आदमी दो चार लोग कश्ती में किनारे से आपके पास से गुजरे तो एक को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन्नत है कि जवाब दो यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमा। जवाब देना था लेकिन वो कश्ती तेजी से गुजर गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मल्लाह को बुलाया, फरमाने लगे उस कश्ती का पीछा करना है। वो कहने लगा सवारियां बैठेंगी तो जाऊंगा। उस जमाने में जो पूरी कश्ती का एक साइड का किराया था वो 5 दिनार था। फरमाने लगे तू ना इस तरह कर, स्पेशल मुझे ले जा बिठा के। क्या लेगा? उसने कहा 20 दिनार लूंगा। फरमाया 20 ही दूंगा। उस कश्ती का पीछा किया और जिस आदमी को छींक आई थी ना उससे जाके यरहमुकल्लाह कहा। उसने जवाब में जजाकल्लाह कहा तो आप फरमाने लगे मेरा काम हो गया, वापस चल। मल्लाह दुनियादार था, वो सोचने लगा, पहले तो उसने सोचा मेरा क्या है, 20 दिनार तो उनके गए हैं, लेकिन जब उतरने लगे ना तो 20 दिनार दिए या 20 दिरहम दिए। तो वो कहने लगा हजरत जी सिर्फ एक लफ्ज कहने के लिए आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। फरमाया लफ्ज कहने के लिए नहीं, अपने मुस्तफा की सुन्नत अदा करने के लिए, अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए। यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत करे। किस तरह का खूबसूरत अंदाज सिखाया। देखिए एक हदीस तिर्मिजी शरीफ में,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बीमार को देख के या किसी मुसीबत में मुब्तला आदमी को देख के तुम ये दुआ पढ़ लो, तुम्हें कभी वो मुसीबत नहीं आएगी। कैसी खूबसूरत दुआ है, किसी मुसीबत ज़दा को बीमार को देख के पढ़ो तुम्हें कभी वो मुसीबत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम मब्तला का भी वफद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक तफदीला। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से आफियत दी और इस बेचारे को या तुझे अल्लाह ने मुब्तला किया, और अल्लाह ने मुझे अपनी बहुत सारी मखलूक पे फजीलत दी है, यानी अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा रखा हुआ है। यार मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हूँ, देखो बेचारा, यानी ये दुआ भी है और अपने ऊपर शुक्र अदा करने का। एक आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने को ना गले के अंदर छोटी छोटी दो फिंसियां निकल आई, तो उस जमाने में ताउन का मर्ज फैला हुआ था। एक बड़े काबिल हकीम को लाया गया, उन्होंने चेक करके कहा आपको तो ताउन हो गया है, पर मान लेके चल दौड़ जा मुझे ताउन नहीं। उसने कहा जनाब ये गले पे बना हुआ है और सबको पता है आजकल फैला हुआ। फरमाया सबको हो सकता है मुझे नहीं हो सकता। क्यों? फरमाने लगे एक बंदे को ताउन हुआ था तो मैंने उसे देख के वो दुआ पढ़ ली थी जो नबी पाक ने बताई है, लिहाजा हुजूर का फरमान है तो मुझे हर बीमारी आ सकती है पर ये बीमारी आ सकती। दो वो शख्स कहने लगा जी मुंह में भी गिल्टियां चली गई, खोल नहीं रहा, क्या होगा? आला हजरत ने काली मिर्च मंगवाई, उसे पीस के जुबान के नीचे रखा तो सारी बीमारी दूर हो गई। फरमाने लगे बुलाओ ना जरा उस हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है, वो तो सही होता ही नहीं इतनी जल्दी। फरमाया हर चीज बदल सकती है पर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं बदल सकता। तो अजीज दोस्तों नबी पाक, अब बड़ी खूबसूरत बात आई, सारी खूबसूरत थी बड़ी प्यारी बात आई। दुनिया में सबसे हसीन चेहरा अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया है, नबी पाक का चेहरा भी हसीन है। मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मदभरी। प्यारा चेहरा है, हुजूर का जितना चेहरा प्यारा था उतने ही हुजूर के अखलाक भी बड़े प्यारे थे। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहि सलाम जब आईना देखते, क्या देखते हुजूर? जब आईना देखते, हमारे नौजवान भी सारा दिन आईने के आगे खड़े रहते, कभी बाल इस तरह के बनाते हैं कभी इस तरह के, तो मेरा कई दफा दिल करता है कि मैं इनसे कहूं कि तू आईने को कह रहा झूठ बोल, पर वो कैसे बोले? तू कह रहा है आईने को कि तू कह सबसे प्यारा तू ही लग रहा है, पर वो कैसे बोले? उसने तो सच बताना है, उनको आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। तो मेरे अजीज याद रखिएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आईना देखते। आईना देखना हुजूर की सुन्नत है, कोई सुन्नत समझ के आईना देखेगा तो एक दफा देखने पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते क्या कहते? अल्लाहुम्मा अंत हसन तखल की फहसिन खुलू की। या अल्लाह, ये देखे हुजूर ने हमें सिखाया है, या अल्लाह जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है मेरी सीरत भी अच्छी बना दे, ये हमें सिखाने के लिए दुआ। या अल्लाह जिस तरह सूरत अच्छी बनाई है, जिस तरह तू कहता ना इस दफा इस वक्त देख लो कपड़ों पे कोई दाग नहीं, तो दुआ किया कर बातन के भी अल्लाह दाग दूर फरमा दे, ये वाला सारा मामला भी ठीक हो जाए। आखिर की तरफ आता हूं, फरमाया जब खाना खाने लगो तो दुआ मांगो, और एक रवायत में फरमाया ये दुआ पढ़ लो, खाने में जहर भी होगा तो तुम पे असर नहीं करेगा खाने पे। ऐसे मैं बड़ी तकलीफ से कहता हूं कि आज भी हमें कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। यार बड़े अफसोस की बात नहीं, बड़े अफसोस। हुजूर ने दुआ सिखाई, मैं ये दुआ पढ़ोगे तो जहर भी होगा तो असर नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मास्मी शैयुन फिल अर्दि वला फिस समा या हय्यु या कय्यूम, जिसकी बरकत से जमीन व आसमान में कोई चीज भी नुकसान नहीं देती, और ए अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रहने वाले। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम। और एक हदीस में और भी दुआ आई है, बिस्मिल्लाह शरीफ तो खैर बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला भी एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जब खाना खा चुके फिर कहा दुआ मांगो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें खिलाया भी पिलाया भी और मुसलमान भी बनाया। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी दिल्ली में, ताजी ताजी बारिश हुई, एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ा हूं, अल्लाह 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 असी किसे दे कुछ भी नहीं लग दे ना कोई साडा दर्दी,
बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाह अल्लाह करता जा रहा। एक तवायफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे, वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वाइदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बाद बारिश ताजा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए, दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया। बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया यहां दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते, हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया, मर गया, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। कहा तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। कहा बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो फिर, मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लावारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लावारस तो नहीं था, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, इसने मुझे मारा तो मैं कोई लावारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता, इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा है तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं, खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वड्याइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइया, मैनू महल चढ़ाया है साइया। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहि सलाम के बारे में रब फरमाते हैं अभी मैं तो तेरे होते हुए काफर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखें हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं एक जवान था मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे मस्जिद के मेहराब में, वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया, जब फौत हो गया ना लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते, जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फुज़ैल इब्ने अय्याज़ कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लावारस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए, फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई, क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी तुमने दी नहीं, उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई तुमने की नहीं, और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था। संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो, ये कोई लावारसों का टोला है। याद रखें जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है, अपनी जिंदगी लावारसों की।